हेलो एवरीवन। तो हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन की बात कर रहे थे पिछले क्लास में, और हम लोगों ने दो सवाल करा भी था, है ना। और उसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं और हम लोग तीसरा सवाल की तरफ आते हैं, ठीक है। तो तीसरा जो सवाल आपके सामने में, फाइंड डी बाई डी एक्स वाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, और ऐसे इनवर्स ट्रिगो का चीज है और इधर इनवर्स ट्रिगो के एंगल में रूट वाला चीज है, तो इसके लिए मैंने प्रॉपर प्रोसीजर लिखा रखा है, है ना। फोर स्टेप लिखा रखा है, पहले स्टेप में क्या करना, दूसरे में क्या करना, तीसरे में क्या करना है, और फोर्थ स्टेप में जो लास्ट स्टेप है उसमें क्या करना है। तो सबसे पहला स्टेप में क्या होता है भाई, सबसे पहला स्टेप में क्या काम होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। सबसे पहले स्टेप में काम ये होता है कि साइन इनवर्स है तो इधर आपको साइन इनवर्स है, आगे क्या है, रूट वाला चीज है, तो रूट साइन इनवर्स के आगे अगर रूट वाला चीज, चाहे कोई भी इनवर्स रहे उसके आगे रूट वाला चीज रहेगा, तो वो इन्हीं पांच फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में रहेगा, है ना। छठा फॉर्म में नहीं रहेगा, इन्हीं पांच में से कोई एक फॉर्म में रहेगा, चाहे जिस भी लेवल की बात करें, चाहे आई टी मेन्स या एडवांस लेवल की बात करें या बोर्ड लेवल की बात करें, सब में सेम बात है। जब भी ये साइन इनवर्स है और साइन इनवर्स के एंगल में रूट वाला चीज रहेगा तो इन्हीं पांच फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में रहेगा। अब जिस फॉर्म में रहेगा उसके बगल में जो सजेस्ट किया गया है ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, उस ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन को हमें लगा देना है। तो आप देख सकते हैं रूट के अंदर क्या है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स क्या है, वेरिएबल है, ए क्या है, कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट का स्क्वायर। रूट के अंदर क्या है भाई, वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट का स्क्वायर। आप देखिए कौन सा नंबर, तीसरा नंबर, समझ रहे हैं ना बात को। आप देखिए रूट के अंदर वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, ये तीसरा नंबर वाला सब्स्टिट्यूशन यहां पर लगेगा। इसके लिए क्या सजेस्ट किया गया है, इसके लिए जो सजेस्ट किया गया है वो सजेस्ट किया गया है x इक्वल a tan थीटा या x इक्वल a cot थीटा, दोनों में से कोई एक लगाना है ना। अपने चॉइस के हिसाब से हम लगा देंगे, या तो x इक्वल a tan थीटा लगाएंगे या तो x इक्वल a cot थीटा लगाएंगे। दोनों में से कोई भी सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों से आंसर सेम आएंगे, ठीक है। तो मैं लगा देता हूं x इक्वल a tan थीटा, तो यहां पर पुट कर देता हूं x इक्वल a tan थीटा, ठीक है भाई, x इक्वल a tan थीटा पुट कर देता हूं। अब देखिए सिचुएशन क्या बनेगा, ये पुट करने के बाद साइन इनवर्स x के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, a tan थीटा, ठीक है, बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर। एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे, ए टेन थीटा, ए टेन थीटा का स्क्वायरिंग, ठीक है। एक्स स्क्वायर है, एक्स के जगह पर ए टेन थीटा, पावर में टू है तो टू लिख दिया, प्लस ए स्क्वायर लिख दिया, ठीक है भाई, और इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। अब आगे जो आएंगे, पहला स्टेप में ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लेना है, और ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लेने के बाद उसको सरल करते हुए साइन इनवर्स है तो किधर, इधर साइन इनवर्स है, इधर क्या पुराना है, साइन थीटा पुराना, वो आएगा ही आएगा 101%। इधर साइन इनवर्स है तो इधर साइन थीटा में चेंज होगा 101%, होना ही होना है। अगर इधर टेन इनवर्स रहता तो इधर टेन में चेंज हो जाता, उस तरह से सजाकर ही लिखा जाता है सवाल, ताकि वो चेंज हो जाए, ठीक है ना। और एग्जाम में सवाल जो दिया जाता है वो आपका नॉलेज टेस्टिंग के लिए दिया जाता है, आपको परेशान करने के लिए नहीं दिया जाता है। कि ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ दे दिया बच्चा परेशान हो रहा है, बन ही नहीं रहा है, ऐसा एक भी सिंगल सवाल नहीं देखा पाएंगे। अगर साइन इनवर्स है तो इधर इस तरह से चीजों को अरेंज करके लिखा जाता है, ताकि वो आप ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगाएं तो साइन इनवर्स है तो इधर साइन थीटा में चेंज हो जाए। और देखिए यहां पर चेंज होंगे, हम लोग चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और a tan थीटा ऊपर आ जाएंगे, और नीचे जो है रूट ओवर a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस a स्क्वायर, ये आ जाएंगे। आगे जो है sin इनवर्स a tan थीटा बाय रूट ओवर, देखिए रूट के अंदर अंदर a स्क्वायर कॉमन ले लूं तो tan स्क्वायर थीटा प्लस वन बच जाएंगे, ए स्क्वायर ले लेंगे, यहां से भी ए स्क्वायर निकल जाएंगे, तो यहां टेन स्क्वायर प्लस वन बच जाएंगे। अब आगे जो है आपका क्या हो जाना है, साइन इनवर्स है और ए टेन थीटा बाई
रूट ओवर ए स्क्वायर और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेंथ से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है, शेक स्क्वायर थीटा के इक्वल आता है। ठीक है भाई, तो मैंने लिख दिया। अब इसके बाद जो है साइन इनवर्स ए टेन थीटा ऊपर में और नीचे, ए स्क्वायर है तो ए बाहर आ जाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक थीटा बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ए कैंसिल आउट हो जाएंगे और साइन इनवर्स आ जाएंगे, और टेन थीटा को मैं लिख देता हूं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और सेक थीटा को वन बाय कॉस थीटा लिख देता हूं। ठीक है, ये गेट आउट कैंसिल। तो अब आगे जो आ जाएंगे साइन इनवर्स, ये कॉस कॉस तो चला गया, साइन इनवर्स साइन थीटा आ जाएंगे। आगे क्या आ जाएंगे, साइन इनवर्स साइन थीटा। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला साइन इनवर्स है, इधर कोई भी इधर साइन इनवर्स है, इधर ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगाए हैं, तो साइन इनवर्स है इधर ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद अगर उसको सरल करेंगे तो किसमें चेंज हो जाएंगे, साइन थीटा में। ये पहले से अनुमान था, है ना, ये अनुमान नहीं था, ये श्योर था, है ना, अनुमान कहना गलत होगा, ये 101% श्योर था कि इधर साइन थीटा बनेगा ही बनेगा, चाहे थीटा के जगह पर कुछ भी आ सकता है, थीटा के जगह पर 2 थीटा भी आ सकता है, लेकिन साइन इनवर्स है तो इसके सामने में साइन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, ये श्योर था पहले ही, साइन इनवर्स साइन थीटा आ गया तो थीटा कॉपी हो गया। ठीक है ना, तो यही करते हैं, साइन इनवर्स साइन थीटा आता है, थीटा कॉपी करते हैं, इसके अगले स्टेप में क्या करते हैं, इसको ओरिजिनल में चेंज करते हैं। थीटा को किस में चेंज करते हैं, ओरिजिनल में चेंज करते हैं। आप स्टेप को देखिएगा, है ना, आप नोट डाउन किए होंगे, देखिएगा उसमें, इसको ओरिजिनल में चेंज करेंगे। अब ओरिजिनल में चेंज कैसे करना है, आप देखिए इस बात को कैसे चेंज करेंगे, x इक्वल a tan थीटा है तो देखिए यहां पर रफ वर्क में हम करके दिखाते हैं, x इक्वल a tan थीटा है तो यहां पर tan थीटा इक्वल लिख देंगे, tan थीटा इक्वल क्या आ जाएंगे, x बाई a आ जाएंगे, थीटा इक्वल क्या आ जाएंगे, tan इनवर्स क्या आ जाएंगे, x बाई a आ जाएंगे। तो थीटा के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x बाई a, तो थीटा के जगह पर आ जाएंगे tan इनवर्स x बाई a। ठीक है, चूंकि यहां पर साइड में आप लिख सकते हो, ये रफ वर्क था, x के जगह पर चूंकि tan थीटा इक्वल x बाई a है, ठीक है, साइड में लिख दिया। अब ये y रहा, इसके बाद यहां तक तो सिंप्लीफिकेशन, पहले तो सिंप्लीफिकेशन करते हुए थीटा में चेंज हुआ, थीटा को फिर ओरिजिनल में चेंज किया। ठीक है ना, यहां तक जो काम हुआ है सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का काम हुआ, अभी डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, सिंप्लीफिकेशन हो गया, इसके बाद ओरिजिनल में चेंज किए, अब डिफरेंशिएशन होगा, है ना, ओरिजिनल में चेंज करने के बाद ही डिफरेंशिएशन का काम होगा। ठीक है, अब डी बाय डी एक्स निकालेंगे और डिफरेंशिएट कीजिएगा टेन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है, और अंदर में एक्स बाई ए आ जाएंगे और वन बाय ए बाहर रहेगा, डी एक्स बाय डी एक्स आ जाएंगे। टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन पता है आपको भाई, वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, एक्स के जगह पर एक्स बाय ए है तो एक्स बाय ए का स्क्वायर, वन बाय ए डी एक्स बाय डी एक्स वन आ जाएंगे। ठीक है भाई, वन बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और इंटू वन बाय ए आ जाएंगे, और ए स्क्वायर ऊपर जाएगा बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वन बाय ए और ए कैंसिल, तो ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए, लिख लिए होंगे शायद, मिटा देता हूं। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल लिख रहा हूं, तो नेक्स्ट सवाल है डी बाय डी एक्स ही निकालना है भाई, और इसमें नेक्स्ट सवाल क्या है, y इक्वल cot इनवर्स x डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये नेक्स्ट सवाल है, y इक्वल cot इनवर्स x डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, cot इनवर्स है x डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब देखिए cot इनवर्स है और cot इनवर्स के आगे रूट वाला चीज है, तो cot जो भी इनवर्स रहे उसके आगे रूट वाला चीज रहेगा, तो इन्हीं 5 फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में रहेगा। ठीक है ना, तो आप देखिए यहां पर आइडेंटिफाई कीजिए कि किस फॉर्म में, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर,
वन को लिखा जा सकता है वन का स्क्वायर। तो आप क्या हो गया, वन कहे तो कांस्टेंट, एक्स कहे तो वेरिएबल, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर कहे तो पहला नंबर के जैसा है, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर। इसके लिए एक्स इक्वल ए साइन थीटा या एक्स इक्वल ए कॉस थीटा। तो आपको क्या करना है, यहां पर पुट करना है x इक्वल दोनों में से कुछ भी, मैं a साइन थीटा पुट कर देता हूं, x इक्वल a साइन थीटा। अब बताइए a के जगह पर क्या है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a के जगह पर क्या है 1 है, तो a के जगह पर 1 लिख देंगे, ठीक है। तो x इक्वल साइन थीटा आ जाएंगे। अब x जहां पर भी है उसके जगह पर मैं साइन थीटा रख दूंगा, तो cot इनवर्स x के जगह पर साइन थीटा, जहां भी x है वहां पर साइन थीटा, 1 का स्क्वायर को 1, एक्स स्क्वायर एक्स के जगह पर साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएंगे, ठीक है। अब आगे जो है कॉट इनवर्स साइन थीटा बाय रूट ओवर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहे तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। और कॉट इनवर्स आ जाना है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आएंगे कॉस थीटा आ जाएंगे, और कॉट इनवर्स साइन बाय कॉस कहे तो टेन थीटा आ जाना है, ठीक है। कॉट इनवर्स टेन थीटा को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉट में चेंज, कॉट इनवर्स है तो कॉट थीटा लाना है, तो कॉट 90 माइनस थीटा कर देंगे, कॉट इनवर्स कॉट थीटा, थीटा उतर जाएगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है। अब ओरिजिनल में चेंज कर देना है तो आपका क्या जाएंगे, पाई बाय 2 माइनस थीटा, थीटा एक्स इक्वल साइन थीटा, तो थीटा इक्वल साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स में चेंज हो जाएंगे, तो थीटा इक्वल क्या जाएंगे, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। साइड में भी लिख सकते हैं क्योंकि एक्स इक्वल क्या है, साइन थीटा है, ठीक है। और देयरफॉर और थीटा इक्वल क्या जाना है, देयरफॉर थीटा इक्वल साइन इनवर्स एक्स आ जाना है, ठीक है। साइड में लिख सकते हैं इसको, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब इसको ये वाई के इक्वल है, अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, पाई बाय 2 का 0, साइन इनवर्स का 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट जो सवाल है, पहले कॉपी कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल लिख रहा हूं, नेक्स्ट जो सवाल है, y इक्वल टेन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये नेक्स्ट सवाल है, इसे मैं डिफ्रेंशिएट करना है, तो कैसे होगा, y इक्वल टेन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहां पर आप देख सकते हैं वो एक्स स्क्वायर है, 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर आप देख सकते हैं, रूट के अंदर वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, एक्स वेरिएबल ए कांस्टेंट, वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर। इसके लिए क्या पुट करते हैं, एक्स इक्वल ए सेक थीटा या एक्स इक्वल ए कॉसेक थीटा। तो पुट करना है एक्स इक्वल ए सेक थीटा, ए के जगह पर क्या है 1 और सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा, ठीक है, 1 सेक थीटा कहे तो सेक थीटा आ जाएंगे। अब आगे जो आएंगे टेन रूट ओवर एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। और टेन आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये टेंथ के फॉर्मूला से टेन स्क्वायर थीटा आ जाएंगे। अब टेन इनवर्स टेन थीटा आ जाएंगे, टेन स्क्वायर जो है यहां पर टेन इनवर्स है ना, इसमें करेक्शन है, टेन इनवर्स मैंने लिखना भूल गया था, टेन इनवर्स, ठीक है, जहां भी टेन है टेन इनवर्स, ठीक है, नहीं तो टेन इनवर्स नहीं रहेगा तो डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और रूट ओवर टेन स्क्वायर थीटा है तो आप टेन थीटा लिख देंगे, ठीक है। अब जो है टेन इनवर्स टेन थीटा, थीटा कॉपी हो जाएंगे, और थीटा के बदले में आप लिख सकते हैं यहां से एक्स इक्वल सेक थीटा, थीटा इक्वल सेक इनवर्स एक्स, ठीक है, थीटा इक्वल सेक इनवर्स एक्स, चूंकि एक्स इक्वल क्या है सेक थीटा है, और थीटा इक्वल क्या आ जाएंगे सेक इनवर्स एक्स आ जाएंगे, ठीक है। और इससे ये तो वाई है, इसमें डी बाय डी एक्स निकालेंगे, सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय मॉड एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट जो सवाल है, वाई इक्वल
टेन इनवर्स रूट ओवर ए माइनस एक्स बाय ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स बाय ए प्लस एक्स, ठीक है। वाई इक्वल टेन इनवर्स रूट ओवर ए माइनस एक्स बाय ए प्लस एक्स, ये सवाल है। वाई इक्वल टेन इनवर्स रूट ओवर ए माइनस एक्स बाय ए प्लस एक्स, ठीक है भाई। आपको सिंपल सी बात है, रूट के अंदर कांस्टेंट माइनस वेरिएबल बाय कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, आप देख सकते हैं यहां पर रूट के अंदर कांस्टेंट माइनस वेरिएबल बाय कांस्टेंट प्लस वेरिएबल। तो इसके लिए क्या है, x इक्वल a cos 2 थीटा, ठीक है ना। तो x इक्वल क्या लिखेंगे, a cos 2 थीटा, a के जगह पर a ही है। अब नेक्स्ट tan इनवर्स आप रूट ओवर a माइनस x के जगह पर क्या लिख सकते हैं, a cos 2 थीटा बाय ए के जगह ए के जगह पर ए ही प्लस एक्स के जगह पर ए कॉस टू थीटा, ठीक है भाई। अब आगे जो है टेन इनवर्स आ जाएंगे और रूट ओवर रूट के अंदर अंदर एक कॉमन ले लेता हूं वन माइनस कॉस टू थीटा बाय एक कॉमन ले लेता हूं वन प्लस कॉस टू थीटा, ए गेट आउट कैंसिल। तो अब आगे आ जाएंगे आपका रूट ओवर, अब देखिए वन माइनस कॉस टू थीटा हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, ठीक है ना। क्या होता है भाई, टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। वन प्लस कॉस टू थीटा बाय टू कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएंगे, कैंसिल। टेन इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा कहे तो टेन स्क्वायर थीटा, टेन इनवर्स आ जाएंगे टेन थीटा, तो थीटा आपका कॉपी हो जाना है, ठीक है। थीटा कॉपी हो गया, इसके बाद जो है थीटा को ओरिजिनल में चेंज करेंगे, तो थीटा को ओरिजिनल में चेंज कर देता हूं। आपको ओरिजिनल में चेंज करना है, यहां पर आप देख सकते हैं cos 2 थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, x x by a, ठीक है, और 2 थीटा इक्वल x by a। तो अब जो है चूंकि यहां पर मैं साइड में लिख देता हूं cos 2 थीटा इक्वल x by a है, ठीक है, 2 थीटा इक्वल cos इनवर्स x by a और थीटा इक्वल 1 by 2 cos इनवर्स क्या आ जाएंगे x by ए आ जाएंगे, ठीक है। तो थीटा के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, हाफ कॉस इनवर्स एक्स वाई ए। अब यहां तक तो सिंप्लीफिकेशन का काम हुआ था, ठीक है ना। अब इसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर देना है, तो डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डीएक्स निकालेंगे, हाफ बाहर रहेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स वाई ए, ठीक है, डी लगाकर अंदर वाले को एक्स वाई ए और 1 बाय ए बाहर रहेगा, dx बाय dx आ जाएंगे और हाफ आ जाएंगे cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर, x के जगह पर x बाय ए है, इसका स्क्वायरिंग 1 बाय ए, dx बाय dx 1 आ जाएंगे, ठीक है। तो आपका आगे जो आ जाएंगे हाफ माइनस 1 बाय रूट ओवर है ना x स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यहां पर आ जाएंगे जब एलसीएम लेंगे, माइनस x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और 1 बाय ए, तो 1 बाय 2 इंटू ए स्क्वायर रूट से बाहर आएंगे, ए स्क्वायर जब रूट से बाहर आएंगे तो किस में चेंज हो जाएंगे ए में, और ए जो है ऊपर भी चला जाएगा, तो माइनस ए रूट ओवर माइनस तो पहले से है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन बाय ए, ठीक है, ए कैंसिल। अब आपका आ गया माइनस वन बाय टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो इसके आगे और भी सवाल है, ठीक है ना, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है ना, आराम से पढ़ते रहिए और डेली बेसिस पर आप वीडियो देखें, है ना, ज्यादा मजा आएगा, थोड़ा थोड़ा करके आप रोज दिमाग में लें, ठीक है ना। एक साथ अगर आप देखेंगे दो चार दिन बाद वीडियो देखेंगे दो चार ज्यादा वीडियो हो जाता है, फिर गैदरिंग हो जाएगा, है ना। थोड़ा थोड़ा आप वीडियो देखें, ठीक है ना, उसके कॉन्टेक्स्ट में जो भी सवाल आपको बोलेंगे उसको बनाते जाना है, ठीक है। थैंक यू दोस्त, ऑल द बेस्ट, ठीक है, रहने दीजिए आज यहीं तक।